उदयपुर यूडीए में फर्जी पट्टों की बंदरबांट कर अफसरों और निचले कार्मिकों ने जो भ्रष्टाचार किया उसकी सुर्खियां अभी थमी भी नहीं है कि बुआना क्षेत्र में बुरहानी नगर जो अब नाकोड़ापुरम के नाम से जाना जाता है वहां गपलेबाजी का बड़ा खेल यूडीए के अफसरों ने करते हुए करोड़ों डका लिए हैं। जी हां, हम उसी बुरहानी नगर की बात कर रहे हैं जहां 1986, 2006 और अब 2023 में रिकॉर्ड और प्लान को तोड़ मरोड़ करके करोड़ों की चांदी माफियाओं के साथ मिलीभगत करके अफसर कूट कर निकल गए। इस बुरहान ही नगर में पहले यूआईटी ने जो प्लान की उसमें 40 और 60 फीट की सड़कें देकर बड़े बुखन काटे, उसी में जालसाजी करके सड़कों को 40 की बजाय 30 और 60 की बजाय 40 फीट करके यूडी अफसरों ने माफियाओं को खुश किया और अपनी तिजोरियां भरकर बिना डकार के निकल लिए। इस प्लान के पुराने नक्शे और बाद के नक्शों की पड़ताल करें तो साफ तौर पर भ्रष्टाचार की परतें उधड़ रही है। जहां कभी सड़क 40 फीट होकर प्लॉट की साइज 2100 फीट हुआ करती थी, उसी सड़क की जमीन को भूखंड में बता 1000 फीट के भूखंड बना प्लानर्स को 11500 फीट जमीन ज्यादा दे दी। इसकी बाजार कीमत 8 से 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। मामले में शिकायत हुई तो मौजूदा यूडीए सेक्रेटरी ओएसडी समेत तमाम कर्मचारी चौंक गए। साफ तौर पर नजर आया कि खुल्लम खुल्ला गपला किया गया है, लेकिन गाज किस पर गिरावे यह तय करने से बचते नजर आ रहे हैं। इलाके के जागरूक भूखंड मालिक ने भी इस मामले में यूडीएच मंत्री से लेकर प्रमुख शासन सचिव और एसीबी तक में शिकायत दी है, लेकिन इस मामले में मौजूदा कलमकार किसके खिलाफ एक्शन लेते हुए कब कार्रवाई करेंगे यह देखने वाली बात है। इस मामले का खुलासा यूडीए को करना होगा और प्लान में फर्जी तरह से मिलीभगत करके जो बदलाव किए गए हैं उसे पुनः बदलना पड़ेगा, नहीं तो साफ तौर पर समझा जाएगा कि मौजूदा अफसर भी पुरानों को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। जी भाई साहब, क्या मामला है? मेरा नाम नरेश चौधरी है और मेरा मकान इसी बुरहानी नगर में स्थित है और पूर्व में जब मैंने मकान प्लॉट लिया था तब मेरी रोड 40 फीट थी और घर के सामने मेरे 2100 फीट के प्लॉट से सारे हैं और पुराने नक्शे में 40 फीट थी। अभी जो यूआईटी ने पट्टे दिए जारी किए हैं उसमें डेवलपर्स ने यूआईटी की मिली भगत से रोड को 40 फीट के बजाय उन्होंने 30 फीट कर दिए और 2100 फीट को हटा के 1000 फीट कर दिया। और आप पीछे देखेंगे रोड अभी 40 फीट है, ये 40 फीट रोड ऑलरेडी बनी हुई है पहले और अभी मकान को 30 फीट कर दिया है क्योंकि इनके पीछे नया प्लान ला रहे हैं जो नए कॉम्प्लेक्स बनाने की एवज में ये सारी इन्होंने रोडों को खुरदबूद किया गया और मेरे को न्याय दिलाया जाए और मेरे को 40 फीट मेरे मकान के सामने अगर 1000 फीट के प्लॉट बन जाएंगे, हाउसिंग बोर्ड की पूरी कॉलोनी बन जाएगी। 28 प्लॉट 1000 फीट के इन्होंने काटे हैं और आज पूरी कॉलोनी वासियों के लिए 80 फीट से कनेक्टिविटी के लिए सबसे रोड नज़दीक यही पड़ती है और सबसे दिन भर इस रोड पर ट्रैफिक रहता है। उसके बावजूद इन लोगों ने इस रोड को 40 के बजाय 30 फीट कर दी है। मैं आप लोगों से यही न्याय चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जागृत करें ऐसे भू माफिया को और ऐसे मिली भगत जो यूआईटी के लोगों के साथ, मुझे उचित न्याय दिलाया जाए और उनके उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। मिनट की दूरी पर डबोक में मकान ही मकान और मकान की ये टाउनशिप जिसमें आप पाएंगे 1100 वर्ग फीट प्लॉट में 2 BHK रूम के साथ किचन, अटैच लेट बाथ, कार पार्किंग, बोरवेल, सभी सुविधाएं एक साथ आबादी के मध्य। तो इंतजार किस बात का, बुक कराइए इस रक्षाबंधन से दीपावली के बीच मकान और पाएं खुद का आशियाना। पहले आए पहले पाएं, हमारी विशेषताएं उदयपुर एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित आवासीय मकान योजना, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर मकान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, गामटीकरण के साथ SDO कन्वर्ट मकान। हमारा ऑफिस पता है 212 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748, 9119272687। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748, 9119272687।